देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज और आपके साथ मैं हूं साक्षी। खबरों में आगे जाने से पहले ही नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर क्षेत्र में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए आसान नहीं होगी जंग, सीटों पर है मुश्किल। गांधी मार्च को याद कर पीएम ने बापू को दी श्रद्धांजलि, ब्लॉग में कांग्रेस कल्चर पर किया हमला। अमृतसर से चुनाव लड़ सकते हैं मनमोहन सिंह, कांग्रेस के दांव से दुविधा में बीजेपी। और राहुल गांधी का दावा गलत, मसूद अजहर के साथ नहीं कहते अजीत डोभाल। गाजियाबाद थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र के बहटा नाले में युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकाला। गाजियाबाद थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र के बहटा नाले में एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकाला। ये थाना सिहानी गेट क्षेत्र में राजनगर एक्सटेंशन के आगे मोटी गांव की तरफ एक पुलिस मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक अभियुक्त को पैर में गोली लगी है और एक अन्य अभियुक्त फरार हुआ है। पूछताछ में उसके द्वारा जानकारी मिली कि उसका नाम परवेज है और उसका एक अन्य साथी फरार है। मौके से 32 बोर की पिस्टल, एक डिस्कवर बाइक और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। अभी अन्य अभियुक्त के बारे में जानकारी दी जा रही है और साथ ही एक कांस्टेबल घायल हुआ है जिसका नाम सचिन है। दोनों को कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई तो लगभग 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे इसके जानकारी में प्रकाश में आए हैं और ये नाली भोजपुर गाँव का रहने वाला है। और कुछ दिनों पहले भी इसी जगह पर दो बच्चों भाई बहन के शव मिले थे। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में SP, BSP, RLD का गठबंधन और कांग्रेस के मजबूत होने से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में SP, BSP, RLD का गठबंधन और कांग्रेस के मजबूत होने से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी ने 2014 के पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य में 80 में से 71 सीटें जीती थी और ये प्रदर्शन अब दोहराना लगभग असंभव है। सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए बीजेपी अपने कुछ मौजूदा लोकसभा सांसदों को बदल सकती है। इतिहास में 12 मार्च की तारीख में दर्ज प्रमुख घटनाओं में 1930 में शुरू हुआ दांडी मार्च भी शामिल है और इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अहम पड़ाव के तौर पर माना जाता है। इतिहास में 12 मार्च की तारीख में दर्ज प्रमुख घटनाओं में 1930 में शुरू हुआ दांडी मार्च भी शामिल है। इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अहम पड़ाव के तौर पर माना जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस दिन अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा शुरू की थी। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही महत्वपूर्ण सीटों और उम्मीदवारों की चर्चा तेज हो चली है। खबर है कि कांग्रेस अमृतसर लोकसभा सीट के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर विचार कर रही है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही महत्वपूर्ण सीटों और उम्मीदवारों की चर्चा तेज हो चली है। खबर है कि कांग्रेस अमृतसर लोकसभा सीट के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर विचार कर रही है। वहीं पंजाब बीजेपी अमृतसर के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनमोहन सिंह का नाम सामने आने से दुविधा में है। बीजेपी अपने पैनल लिस्ट को रिव्यू कर रही है। यहां तक कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्वेत मलिक ने मनमोहन सिंह के अमृतसर के लिए योगदान पर सवाल कर दिए। सैन्य प्रतिष्ठान के सूत्रों ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के उस बयान को खारिज किया है जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। सैन्य प्रतिष्ठान के सूत्रों ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। गांधी ने कहा था कि डोभाल जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर के साथ 1999 में कंधार गए थे, जहां उसे भारतीय विमान यात्रियों को छुड़ाने के एवज में मुक्त किया गया था। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए HBN न्यूज। देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर।